नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं जहांगीर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कोल्ड फिल्म मिरर। नमस्कार दोस्तों, CFM न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद सद्दाम, CFM न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं 2 तारीख को हो चुकी है। इसी दौरान हम लोग कुलटी में देखें कि 3 बार के विधायक रह चुके उज्जवल चटर्जी, उनकी हार हुई है। वो काफ़ी कम वोट से हारे हैं, लेकिन हार उनकी हुई है। उन्होंने उनके जो विपक्ष में थे वो अजय कुमार पोद्दार थे, जो भाजपा के प्रत्याशी थे। उन्होंने 680 वोट से उज्जवल चटर्जी को हराया है। तो इस दौरान आज हम उपस्थित हैं, जो 680 वोट से हारे हैं उस रीज़न के लिए आज यहाँ पे हम मौजूद हैं कि वो रीज़न क्या है कि यहाँ से 3 बार के विधायक रह चुके उज्जवल चटर्जी को हार का सामना करना पड़ा है। आइए जानते हैं कुलटी ब्लॉक सभापति विमान आचार्य जी से। पहले तो हम CFM चैनल को धन्यवाद जानता है, हर बार मेरे पास आता है। ये बहुत अच्छा चैनल है, सच्चा न्यूज़ देता है, इसीलिए बार बार हम इसको धन्यवाद देते हैं। आज देखिए, उज्जवल पोद्दार उज्जवलदार जो कैंडिडेट है उसका लिए कुछ नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है। हम लोग तो सबसे चाहता था कि पहले तो कोई जीते ना जीते, उज्जवल चटर्जी जरूर जीतेगा, इसीलिए तो हम जान जीव भी लगा दिया। लेकिन क्या करें, उज्जवलदार इतना करके कुलटीवासी उसको धोखा दिया, ये ठीक नहीं किया। अब उज्जवल पोद्दार जीत के क्या करेगा, कुछ तो कर नहीं सकेगा। दीदी तो बहुमत से जीता है, तो कुलटी में हम लोग उज्जवल धाम दोनों मिल के काम करेगा। कुलटी में आप लोगों का कहाँ पे चूक हुई है? देखिए, ज़्यादा तो प्रेमनाथ सिंह, प्रेमनाथ साहु, सुभाष प्रसाद, 3-4 तो वार्ड में ऐसे धोखा खाया, मालूम नहीं था जितना वोट से हार जाएगा। अरे हार नहीं है उज्जवल दल तो वहाँ पे जैसे बता रहे हैं कि कुछ कुछ वार्ड है वहाँ से तिरमूल जो है लीड नहीं कर पाई है, कहीं 2200 वोट से तिरमूल आ रही है, कहीं 3000 वोट से आ रही है, तो उन सब जगह पे किसकी गलती, आप किसकी गलती मानते हो? देखिए, हम तो काउंसलर को गलती मानेगा, काहे कि वो सब इनएक्टिव काउंसलर है, इतना वोट से काहे हारेगा। एक तो हार होता है, ठीक है, 50, 100, 200 वोट में हार होता है। हम लोग को तो 19 वार्ड में हारा है, तो 19 वार्ड में धरिए काउंसलर, हम बोले काउंसलर इनएक्टिव है। आज माइनॉरिटी सेल झाड़ के वोट दिया, कुलटी में नहीं, सारा पश्चिम बंगला में माइनॉरिटी सेल पूरा झाड़ के वोट दिया। और हिंदू वोट मिला नहीं, ऐसा बात नहीं, दीदी भी बोला हिंदू वोट भी मिला है, लेकिन हम बोलेगा कुछ कुछ आदमी उज्जवल दल साथ गद्दारी किया है, तो वो लोग हम छानबीन कर रहा है, वो लोग को दिखाएगा कि कैसे पार्टी करेगा। हम बंदोबस्त करके ऊपर मोहल पर बात करते हैं। तो ऐसा भी माना जा रहा है, यहाँ पे पार्टी में बहुत सारे लोगों ने ये आप पर आरोप लगाया है कि विमान आचार्य जी जो है उनका कहीं ना कहीं रोल रहा है कि वो मतलब उज्जवल चटर्जी को पसंद नहीं करते हैं। नहीं, ये गलत आरोप है। जो लगाता है, हार के आदमी बहुत कुछ बोलता है, लेकिन उज्जवल अपने मुँह से कुछ नहीं बोला है। और उज्जवल जानता है कि जमीन तो विमान जी तैयार किया है, उज्जवलता का साथ कुछ आदमी रह के गद्दारी किया है। आज तो धरिए जुबो का प्रेसिडेंट इतना वोट में क्यों हारा है? अच्छा, हमको 104, 105, 103 ये अंजन मंडल का दायित्व था, तो तभी भी हम खटा है, नहीं खटने से इतना वोट से तो हम लोग तो नहीं हारा। कहीं ना कहीं कुलटी के जो तृणमूल कार्यकर्ता हैं उन्होंने आप पर विश्वास जताया था, जिस कारण आपको यहाँ का ब्लॉक सभापति फिर से एक बार बनाया गया था, और आप यहाँ के काफ़ी तजुर्बेकार राजनीति से बिलोंग करने वाले व्यक्ति हैं। तो यहाँ पे 40,000 का मार्जिन आ रहा है, 40,000 वोट जो है पिछले बार बीजेपी ने यहाँ पे लाया था, इस बार वो 40,000 का आंकड़ा जो है 80,000 में तब्दील हो गया, इस बारे में क्या कहेंगे? तो इस बार हर चेन्नई जानता है कि जब से विमान जी को कुलटी ब्लॉक का दायित्व तो मिला है, तो ऐसे कोई वार्ड नहीं है जो विमान जी नहीं दिया है और विमान जी संगठन नहीं किया है। हमको कोई वार्ड से अगर बोल देगा जो उज्जवल जी को वोट देना मना किया, तो हम समय हम इस्तीफा दे देगा ब्लॉक से।
यही मेरा दावा है। और उज्जवल जी मेकअप किया, इसमें तो जो हम बार बार बोल रहे हैं उज्जवल जी हारा नहीं है, और पोदार जीत के भी का करेगा कुछ करूँ नहीं, नहीं, नहीं देखिए बीजेपी से अभी बहुत आदमी आ रहा, लेकिन हम बोला नहीं, पहले मौलदा को पूछेगा उसके बाद लेगा। बहुत सा आदमी मेरे पास आ रहा जब टीएमसी में ज्वाइन करेगा, हमने हमारा कोई पावर नहीं है, दादा से पूछेगा मौलदा से, मौलदा बोलेगा तब हम ज्वाइन कराएंगे। ये 40,000 का आंकड़ा आप लोगों का कहाँ पे चूक हुआ है पिछले बार? क्योंकि काम तो देखा गया कि पिछले बार जो काम हुआ था 5 साल पहले, 5 साल बाद बहुत ज्यादा तृणमूल ने काम किया पश्चिम बंगाल में। आप जो बात 7 साल कुल्टी में भी काम हुआ है, बात तो बोलिए, उज्जवल चटर्जी जो काम किया है ऐसा कोई वार्ड में नहीं है जो उज्जवल जी काम नहीं किया है। तो काम का बारे में उज्जवल जी कोई बोल नहीं सकता, हम भी बोलता है और हमारे बारे में कोई बोल नहीं सकता। आप दो चार चमचा है, उन लोग तो लटाएगा बहुत कुछ है, उन लोग को बिन पन्ना का लोटा है तो बिन पन्ना लोटा बहुत कुछ करेगा। उज्जवल चटर्जी के साथ बराबर हमारा गहरी ये है, आज भी है, कल भी रहेगा, जब तक उज्जवल जी जिएगा हम लोग दोनों से कोई झगड़ा करने नहीं सकेगा। जो जो बिन पन्ना का लोटा है करने दीजिए, जो कुछ करें। कुल्टी हारने का मेन फैक्ट क्या था? मेन फैक्ट क्या, ये तो बार बार बोल रहा है, हारा नहीं है। मेन कठोर इनेक्टिव काउंसिलर है, नाम बताने से खराब है, तो उन लोग का चलते हारा है। तो और कुछ आदमी उज्ज्वलता के साथ रह के बड़ा पोस्ट है बाबुल मुखर्जी का, लेकिन इतना वोट में हार गया, वो अगर कुछ मेकअप देता तो हार नहीं हारता। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम तो जान जीव लगा दिया जितना जिताने के लिए, ये तो सब चैनल जानता है विमान जी खटा है, कोई चैनल बोल सकता है विमान जी नहीं खटा है। कुल्टी में एक और चीज़ देखा गया कि पिछले बार का जो चुनाव हुआ था, पिछला विधानसभा, तो उस विधानसभा चुनाव में लगभग 69,000 वोट जो है वो तृणमूल को मिला था, 40,000 वोट जो है बीजेपी, 40,000 के लगभग में कांग्रेस को। तो इस बार जो है वो आंकड़ा जो है यहाँ पे देखा गया कि 80,000 वोट बीजेपी को, 79,000 वोट तृणमूल को, तो और जो कांग्रेस था वो मतलब 5,000 वोट में ही सिमट गए। देखिए आज बमफोन का कुछ भी नहीं है तो कुल्टी ब्लॉक में 16,000 है, कांग्रेस का वोट है 6,000 अभी भी, आज भी, आज तक। तो ये मेरा नहीं मालूम नहीं पड़ता बामफ्रंट का वोट गया कहाँ, और उज्ज्वलता का वोट, जो कांग्रेस का वोट तो ठीक ही मिला है, 6,000 वोट है, 5,000 मिला है। तो आपके पार्टी से बोला ये भी गया कि कहीं ना कहीं सीपीएम जो है उन्होंने अपना वोट बैंक जो है वो यहाँ कुल्टी में भाजपा को मतलब दे अर्पित कर दिया। मेरा तो इस विषय में हमारा उम्मीद है एक फालतू बात है, भाजपा को बामफ्रंट वोट नहीं देगा, क्या बामफ्रंट जो वोट देगा तो दीदी को ही देगा, कभी नहीं देगा बीजेपी को वोट। आने वाला जो अभी काउंसिलर इलेक्शन है, इसमें क्या जो कुल्टी का हार के बाद मनोबल जो है वो किस तरह से रहेगा आप लोगों का कार्यकर्ता? हम लोग यहाँ एबीसी जान जी जोर लगा दिया, अब उज्जवल चटर्जी हम दोनों मिल के सर जमीन में उतरेगा, कोशिश करेगा, जब कोई हम लोग 28 वार्ड है कम से कम 25 वार्ड जरूर जीते, ये तो बहुत कोशिश करेगा, दोनों आदमी एक साथ में मिलकर काम करेगा। दादा जैसा कि मालूम है कुल्टी विधानसभा चुनाव कुल्टी तृणमूल प्रार्थी 3 बार विधायक रह चुके उज्जवल चटर्जी इस बार हार चुके हैं चुनाव, भाजपा ने लगभग उन्हें 7,000 वोटों से हराया, तो इसके इस हार के पीछे जो मुख्य वजह है वो क्या है, आपकी पार्टी की कहाँ पे कमी है? 7,000 वोट से नहीं, लगभग 700 वोट से, 699 वोट से उज्जवल चटर्जी कुल्टी विधानसभा क्षेत्र से पीछे है भाजपा से। इसका एक कारण हम लोग जो स्कूटनी किया है तो एक तो वोट ऑफ परसेंटेज कम है यहाँ पर, जहाँ वेस्ट बंगाल में 70% से ज़्यादा वोट हुआ है, यहाँ 69% वोट हुआ है, ये एक तो कारण हो सकता है। दूसरा जो कारण है कि कोविड के लिए ऐसा मतलब कुछ बूथ है जिस बूथ में हम लोग देखे हैं कि 40, 42, 43, 45% वोट हुआ है, वो सब बूथ में अगर ये 5%, 7% बढ़ जाता है तो हमको ये रिजल्ट देखने के चांस नहीं होता हम लोगों का। एक बात है कि जब 2016 में उज्जवल चटर्जी यहाँ से उम्मीदवार था सेकंड टाइम तो 69,000 वोट उनको मिला था, लेकिन इस बार 80,000 वोट मिला है, यानी 5.5% वोट बढ़ा है इस बार उज्जवल चटर्जी के, लेकिन ये हर गया हम लोग का भी क्या होता है। कारण क्या, मेन जो कारण था वो क्या?
मेन कारण वोट परसेंटेज कम है। देखिए हमारा जो राय है तो वोट परसेंटेज कम है। आपके बूथ से 2200 वोट से लगभग तृणमूल हारी है, इस बारे में क्या कहेंगे? मेरे वार्ड से 2177 वोट से तृणमूल कांग्रेस पीछे है, बीजेपी से पीछे है। मेरे वार्ड में संख्यालघु वोट 200 से भी कम है। 17 नंबर वार्ड में लोकसभा निर्वाचन 2016 में 4300 का लगभग पीछे था पीएमसी, इस बार 2177 वोट में पीछे है। एक तो क्लियर है कि 2015 में जब आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हुआ था, म्यूनिसिपैलिटी को तोड़ के जब कॉरपोरेशन बनाया गया तो कुछ कुछ नया भूत इस वार्ड का साथ जुड़ा गया था। तब जब काउंसिलर इलेक्शन हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक के उम्मीदवार रीना प्रसाद यहाँ से जयलाभ किया था और फॉरवर्ड ब्लॉक लेफ्ट फ्रंट का तरफ से यहाँ पर काउंसिलर जीती हुई थी। और आज जब 2021 में हम लोग विधानसभा का निर्वाचन करने जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि जिस वार्ड से सीपीएम का समर्थित फॉरवर्ड ब्लॉक का काउंसिलर जीते हुए थे, अभी वो काउंसिलर बोलिए या लेफ्ट फ्रंट का बोलिए, लेफ्ट फ्रंट का वोट 17 नंबर वार्ड में एकदम 200 से नीचे आ गया। ये भी एक कारण है कि लेफ्ट फ्रंट अपना वोट नहीं टर्न पाया। इससे पहले 2016 में जब जोट पार्टी था तो 42,000 का लगभग वोट मिला था उनको, लेकिन इस बार जो जोट पार्टी है इनके 6,000 वोट भी नसीब नहीं हुआ। इसका सीधा सीधा एक बात क्लियर है कि टीएमसी जहां 5.5% वोट पड़ा है वहां लेफ्ट फ्रंट का पूरा वोट नील हो गया है। और ये हम नहीं बता रहा, पश्चिम बंगाल विधानसभा की 294 सीटों का रिजल्ट जो निकला है, ये 294 सीटों में आईएसएफ का एक सीट छोड़ के बाकी सीपीएम और कांग्रेस पूरा नील हो गया है। मुर्शिदाबाद मालदा में एक तो सीट उन लोगों को नहीं मिला है। ये जो वामपंथी नारा लगाया था इलेक्शन का पहले कि इस बार राम अगला बार वाम, पब्लिक ने उनको रिजेक्ट किया, ये सीपीएम का सरासर गद्दारी है। पूरा वेस्ट बंगाल में गद्दारी है, उल्टी विधानसभा क्षेत्र में लेफ्ट फ्रंट का ये गद्दारी है। ये लोग नहीं चाहता कि यहाँ पर टीएमसी आगे बढ़े, ये गद्दारी का कारण, लेफ्ट फ्रंट का गद्दारी का कारण भी एक हार हुआ है। ये कांग्रेस का साथ, कांग्रेस का जो उम्मीदवार था, ये कांग्रेस का उम्मीदवार को धोखा में डाल दिया, ये भी एक कारण है। हम लोग देखे थे मीनाक्षी डीवाईएफआई का जो राज्य सभानेत्री है, जब यहाँ पर न्यावतपुर न्यूरोड में जनसभा किया था, वो लोग बोला कि समाज तंत्र में हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं, ये बात बोले थे। लेकिन कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस जो दक्षिण पंथी दल है, हम लोग बताते हैं कि हम लोग पब्लिक का साथ शुरू से रह चुके हैं। कांग्रेस का इमीडिएट उचित है कि ये लेफ्ट फ्रंट का साथ जोड़ तोड़ देना। भाजपा का जो 40,000 वोट जो है एक्स्ट्रा बढ़ा है, ये चीज मानते हैं आप? ये चीज एक तो पूरा क्लियर कट है कि कर्म और धर्म में फर्क है। पब्लिक कर्म को छोड़ के धर्म को अपनाया उल्टी विधानसभा, ये एकदम क्लियर कट है। काहे ना, बाबुल सुप्रियो दो टर्म का यहाँ का सांसद है। अगर एक भी कर्म वो बता पाएगा कि बाबुल सुप्रियो सांसद हमारा कुल्टी क्षेत्र में एक तो कारखाना किया है, एक तो कुछ डेवलपमेंट का काम किया है, इसी के बदौलत बीजेपी को वोट मिल रहा, एक भी दिखा दीजिए, एक भी। लेकिन हम दावा का सर करें, जब ममता बनर्जी रेल मंत्री था तब कुल्टी कारखाना का अंदर में सेल राइट का साथ यहाँ का वागन इंडस्ट्री हुआ है, यहाँ का कुछ लोकल लड़का को काम मिला है, यहाँ का सिविक वॉलंटियर रिक्रूटमेंट हुआ है, यहाँ का काम मिला है, यहाँ का प्राइमरी टीचर का काम मिला है, यहाँ डेवलपमेंट कन्याश्री रूपश्री का हर तमाम, कोई पार्टी कोई जाति देख के नहीं, हर किसी का घर में ये कन्याश्री रूपश्री, सामाजिक जितना भी प्रकल्प है, रेशन में चावल जो दे रहा, अभी एक पैसा नहीं लिया जा रहा, ये आदमी को, वोटर को, उल्टी का आम आदमी को ये और सोचने में मजबूर हम लोग नहीं कर पाए। शायद कहीं पर हम लोग प्रचार को और ज्यादा जोर नहीं दे पाया, शायद और मैन टू मैन कनेक्शन नहीं हो पाया, कुछ तो गलती हम लोगों को भी है, ये भी हो सकता है कारण। लेकिन सीपीएम का जो गद्दारी है, एक तो चीज तो पूरा क्लियर कट है, पश्चिम बंगाल की विधानसभा इस बार लाल सुन्न है। यही एक तो दक्षिण पंथी का लड़का होकर सबसे ज्यादा खुशी हमको है कि ममता बनर्जी थर्ड टाइम यहाँ पर शपथ लिया है, ये जितना खुशी है उससे डबल खुशी है कि सीपीएम यहाँ पर शून्य हो गया है, जीरो हो गया है। ये 2011 का पांच धक्का मार के ये बामफ्रंट निकल लिया। विधानसभा चुनाव जो आप लोग हारे हैं, इसका प्रभाव जो है आने वाला काउंसिलर इलेक्शन में कितना पड़ेगा? देखिए, काउंसिलर इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन अलग 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 होता है। हम लोग पीछे लोकसभा में था, इस बार विधानसभा में हारे हैं।
लेकिन ये तो कमिटमेंट पूरा है कि और ज्यादा टीएमसी और ज्यादा मैदान पे रहेगा और ज्यादा कटेगा और 28 में सीट जो है हम 28 से 28 टारगेट करके कुलटी में उज्जवल चटर्जी को नेतृत्व में उज्जवल चटर्जी को और आगे ले जाने के लिए कुलटी विधानसभा क्षेत्र से 28 से 28 सीट लेके हम लोग आसनसोल कॉर्पोरेशन जाएंगे। ये आप लोगों का कमिटमेंट रहा दादा। जैसा कि मालूम है कुलटी विधानसभा चुनाव तृणमूल कांग्रेस हार चुकी है, तो इस हार के पीछे क्या कारण हो सकता है? कारण को संक्षेप में आप कहेंगे? कारण तो हम लोग खोज रहे हैं। हम अपना वार्ड 390 वार्ड में माइनस हुए हैं। हम अपना कर्मियों के साथ बैठ के मीटिंग कर रहे हैं कहाँ का हम लोग खूबी है, कहाँ पर हम लोग गलती हुआ है, क्या बात है, इसको लिए हम लोग अभी चल रहा हम लोग बातचीत, इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं हम लोग आगे जो हम लोग काउंसिलर वोट है उसमें हम लोग आगे बढ़िया से लीड मिले हम लोग का। इसके लिए हम लोग का अभी डोर टू डोर कैंपेनिंग भी चलेगा। हम लोग कहाँ खूबे वो हम लोग निकालेंगे और हम लोग पार्टी में जैसा कि हलचल मचा हुआ है, कुछ होड़ तैक में मचा हुआ है जब से तृणमूल कांग्रेस हारी है कुलटी से, तो इस दौरान गुटबाजी जो पहले थी उससे कहीं ज़्यादा अभी जगह जगह पे सुनने को मिल रही है कि पार्टी के ही लोग गद्दार हैं या फिर पार्टी के लोगों ने ही धोखा दिया है, इस तरह का काफ़ी बात उठ करके आ रहा है। ये जो उन लोग बड़े गलत बात है, गुटबाजी पार्टी टीएमसी हम लोग ममता बनर्जी का पार्टी करते हैं। ममता बनर्जी जहाँ रहेगा हम लोग भी वहीं वोट दिए, सब गलत बात है। उल्टी में ऐसे कोई बात नहीं है, आदमी हवा उठा रहा वो अलग बात है, लेकिन गुटबाजी का कोई यहाँ नहीं है। यहाँ तो बोला गया कि तृणमूल के ही कुछ लोग थे जो जैसे बड़ाकर हो गया या फिर उल्टी क्षेत्र में बड़ाकर क्षेत्र में ऐसा तृणमूल के ही लोग थे जो उनको हराने के लिए मतलब तृणमूल में रह रहे हैं। यह सरासर गलत बात है, तृणमूल में रहने की बात नहीं है। वोट हम लोग बाबू ने तो बढ़िया बात बोला, धर्म से वोट हुआ, इस बार उल्टी में धर्म से वोट हुआ है। उज्जवल चटर्जी का साथ सभी का अच्छा लीक है, यह गलत बात है। हम लोग इस बात में ऊपर नेतृत्व चर्चा किए, ये सब गलत बात है और हम लोग का लीक है, इसमें कोई बात नहीं। आपका परिचय दादा? सौरभ भजन की प्रेसिडेंट सिक्सटी वन। दादा जैसा कि मालूम है यहाँ से तृणमूल कांग्रेस कुलटी से हार चुकी है। तृणमूल कांग्रेस के प्रार्थी जो इस बार थे वो 3 बार विधायक रह चुके कुलटी के उज्जवल चटर्जी, इस बार वो 680 वोट से हारे हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है अजय पंता जीत नहीं सकता, इसका कारण है आप अपने आदमी से हम लोग अपने हारा। अपने आदमी से मतलब कहने का? अपना संगठन से बेईमानी हुआ। अच्छा। पार्टी का आदमी हम लोग अपना पार्टी का आदमी अपने कहाँ से बेईमानी हुआ है ये चीज बता सकते हैं? उल्टी में संगठन तो आप ही लोग का है, तो किस जगह से मतलब ऐसा देखा गया कि बहुत ऐसा वार्ड से जो आप लोग है मतलब बीजेपी जो है कहीं 3000 वोट से लीड करी है, किसी वार्ड में 2200 वोट से लीड करी है बीजेपी, तृणमूल वहाँ 2200 वोट से आ रही है, ऐसा ऐसा वार्ड है किस जगह से? ऐसे ऐसे वार्ड मतलब जो ना का अगेंस्ट में एक तो ग्रुप था। अच्छा। सक्रिय से बेच बराबर घुसा हुआ था सब। अच्छा। तो ग्रुप बना हुआ था उज्जवल चटर्जी के विरोध। अच्छा, ग्रुप एक बना हुआ विरोध का चलते में हम लोग को तो ऐसा बता सकते हैं कि ग्रुप जो बना था वो अपने ही पार्टी संगठन के लोग थे या फिर कोई बाहरी संगठन थे? अपने संगठन पार्टी। तो यहाँ पे मतलब वोट जो है उज्जवल चटर्जी के अगेंस्ट में दिलाने का काम किया। हाँ, अपना आदमी पार्टी का अपना आदमी उज्जवल चटर्जी के अगेंस्ट में वोट दिया। कहीं ऐसा नाता है इसके पीछे ये भी तो रीज़न हो सकती है कि उज्जवल चटर्जी जो है काफ़ी मतलब ओल्ड एज हो चुके हैं, ऐसा आरोप रहा है शुरू से भाजपा का भी कि काफ़ी उम्र हो चुका है, पार्टी में भी इसके लिए विरोध था कि उनका उम्र ज़्यादा हो गया, तबीयत डिस्टर्ब रहता है। जो जीता है वो तो 18 साल का बच्चा नहीं है, उज्जवल दास भी उम्रदार है। तो स्वास्थ्य के कारण वो काफी चर्चा में रहे थे? नहीं, स्वास्थ्य के कारण है। तो सुनिए, जब 19 का अगले बार कोरोना आया था
उज्जवल चटर्जी कुल्टी का हर गली गली में आदमी को सेवा किया था, उस टाइम हम लोग अजय पत्थर का कहीं भी नहीं देखा। एनी टाइम घूमता है, हर पड़ा में घूमता है, उसका साथ इतना खराब नहीं था। एक तो छोटा सा ऑपरेशन हुआ था, वो ओके हो गया है, अभी कुछ नहीं है। लेकिन उज्जवल चटर्जी को हराने कोई नहीं सकता, अगर हमारा आदमी नहीं, पार्टी का आदमी नहीं, बेईमानी करता तब वोट तो उनके अगेंस्ट में पड़ा है ना। आ, पड़ा तो अपना आदमी किया है, अपना संगठन के तरफ से तो लोग भी पड़ा किया। जितना विकास किया है तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल में, अगर उस हिसाब से भी अगर लोग वोट देते तो जाहिर है कि तृणमूल जैसे यहाँ पे जीत रही थी। किंतु बात यहाँ पे ये है कि उज्जवल चटर्जी जो हारा है वो 40 पिछले बार के चुनाव में 40,000 वोट तकरीबन अजय पोद्दार का था, और वहीं उज्जवल चटर्जी जो है उन्हें 19,000 वोट से हराए थे। ठीक है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ जो इतने आंकड़ा का जो डिफरेंस है वो जो है ख़त्म हो गया? क्या रीज़न क्या 2016 का जो रीज़न था, उस टाइम जो पार्टी जो था वो लगभग 35,000 वोट पड़ा था। इस बार का जो जोट पार्टी है वो तो खाली खड़ा हुआ था, वोट नहीं कटने सका। जोट पार्टी का जो वोट सब चल गया अजय पत्थर का तरफ। उसके बाद हमको अपना संगठन में कुछ बेमेरी हुआ, इसी का चलते में नहीं उज्जवलता का वोट जो मिला था कम वोट नहीं मिला, कम वोट नहीं मिला। लेकिन जोट पार्टी जो खड़ा होता इस टाइम सबसे कमजोरी जोट पार्टी था, वो 5,000 में अटक गया। यहाँ पे देखा गया कि वार्ड नंबर 18 से भी 900 कुछ वोट से उज्जवल चटर्जी यहाँ से हारे हैं, इसका क्या कारण रहा? इसके बड़े कारण है हम लोग जो आज 2016 में जो रिजल्ट किया था, हम लोग था स्वतंत्र था जो भी था हम लोग था, उस टाइम जो रिजल्ट हुआ था उसके बाद हम लोग काउंसिलर था कांग्रेस का, कांग्रेस वाला काउंसिलर फिर आ गया TMC में। जब वो TMC में आ गया था लड़का अच्छा था, हम लोग देखा था लड़का अच्छा था, उसके ऊपर विश्वास किया था, पूरा विश्वास किया था, हद से भी ज्यादा विश्वास कर लिया। तृणमूल कांग्रेस तो यहाँ पे काम किया, काम किया, लेकिन बावजूद इसके यहाँ से तृणमूल कांग्रेस का हारने का वजह क्या था? काम किया था, लेकिन बात है जब उसका 4 साल उम्र था, वोट का 3 महीना पहले बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब हम लोग थोड़ा उसी के ऊपर भरोसा किया था, हम लोग 3 महीना टाइम मिला। तो मतलब वार्ड नंबर 18 से हारने का कारण ये है कि लोग यहाँ से बीजेपी में जो शामिल हो गए, यहाँ के जो पूर्व पार्षद थे, यही कारण आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऑलरेडी काउंसलर अगर हम लोग को ले जाता तो हम लोग थोड़ा डिस्टर्ब। तो यहाँ मतलब वार्ड नंबर पैसा का भी खेल हुआ। अच्छा, अपना परिचय? वार्ड नंबर 18 प्रेसिडेंट, वार्ड नंबर 18 का प्रेसिडेंट। दादा, कुल्टी में तृणमूल कांग्रेस हारने का मुख्य कारण क्या है? देखिए, कुल्टी का विकास पुरुष है उज्जवल चटर्जी। कुल्टी का जितना डेवलपमेंट हुआ है उज्जवल चटर्जी के हाथों से, उज्जवल चटर्जी का हारना वाला है हमको ही नहीं है। अगलवान 2020 में जब आपको ये आया है कोरोना फर्स्ट टाइम, उज्ज्वलता उस टाइम उज्ज्वलता का बीमारी था, डॉक्टर उन्होंने 6 महीना ब्रेस्ट ने बोला है, 6 महीना आप ब्रेस्ट लीजिए, तभी वो 1 महीना के बाद घूमने लगा पूरा इलाके मोहल्ला, वो भी बाइक से। आप लोग जानते हैं उज्ज्वलता कभी चाचा का यूज नहीं करता है, उसको वो बोलता मतलब हर टाइम वो बाइक से बाइक यूज करता है, आदमी के साथ जोड़ा हुआ है, आदमी को उल्टी का आदमी मैंने उज्ज्वलता का खूब लाइक करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ पर टका का खिलाफ हो गया। एक चीज मानी फैक्टर, सेकंड चीज क्या है जो बीजेपी हिंदू मुस्लिम एक तो डिवाइडेड कर दिया, जाति धर्म का ये वोट। तो ये चीज आप मानते हैं कि कुल्टी में भी हिंदू मुस्लिम पर वोट पड़ा है? वोट पड़ा, जरूर पड़ा, जरूर पड़ा, 100% पड़ा। लेकिन कुल्टी का जो विकास रोक दिया कि कुल्टी का आदमी भोगेगा, सोचेगा, सोचना पड़ेगा कुल्टी का आदमी। नहीं, सरकार तो अभी तृणमूल कांग्रेस की है, तो फिर कुल्टी का आदमी को परेशानी कैसे हो सकता है? देखिए, जो भी काम होगा तो एमएलए का उज्जवलता भी कुछ नहीं। आज हम
लोग कुर्ती वाला को लोग को जो एमएलए मिला है वो तो घर से नहीं निकलेगा भाई, वो तो काम नहीं करेगा। पाँच साल पहले वो घर से निकला था फिर भी घुस दिया, फिर भी इलेक्शन का पहले वो एक दो महीना दो महीना उसको कैंडिडेट बनाया बीजेपी लोग निकला घर से फिर भी घुस जाएगा। देखिए तो कौन करेगा डेवलपमेंट का? आप वार्ड नंबर 18 के पूर्व पार्षद भी रह चुके हैं और कुल्टी क्षेत्र के मामले में आपको काफी कुछ की जानकारी है, तो इस दौरान विधानसभा चुनाव में देखा गया कि कुल्टी से तृणमूल प्रार्थी उज्ज्वल चटर्जी जो 3 बार के विधायक रह चुके थे वो हार चुके हैं। भाजपा उन्हें लगभग 700 वोट से हराई है, तो उनके हार के पीछे क्या वजह रही होगी? वजह बहुत है, कुछ कारण है जो उज्जवल चटर्जी जी का तृणमूल का पुराना आदमी है, उन लोग थोड़ा जनसंपर्क से थोड़ा कमी है और कुछ उन लोग का बिहेव बहुत ही ज़्यादा पावर में रहने के बाद थोड़ा बिहेव उज्जवल चटर्जी जी अंधेरे में रह गया। उन लोग जनसंपर्क का पब्लिक के साथ अटैचमेंट ठीक से नहीं किया, कुछ कारण है जात पात का। उसके बाद कोई बड़ा नेता यहाँ से प्रचार में नहीं आया। बीजेपी जिस तरीका से हिंदू मुसलमान का खेला उसका जवाब में अकेला उज्जवल चटर्जी स्वास्थ्य से कमी का कारण उतना बढ़िया से आदमी प्रचार कर नहीं सका। यहाँ पब्लिक को स्टेट कॉर्नर बड़ा में उन लोग के लिए बड़ा बड़ा मंत्री संतरी आया बीजेपी का, ये कारण हवा लहर था बीजेपी का लहर है। तो उल्टी का पार्टी सोचा था ये इस बार बंगाल में बीजेपी का मिनिस्टरी होगा, इस कुछ हिंदी भाषी लोग ज़्यादा भाग गए बीजेपी का तरफ ढला और कुछ पैसा का बीजेपी का नोट भी का इसका काम किया, पैसा में सिर्फ जो दो अनपढ़ जो पिछड़ा वर्ग है ये सब आदमी को पैसा से रात खरीदा गया, इसके कर वजह है। और वजह है कुछ आदमी जो दूसरा कांग्रेस पार्षद से बन के वो टीएमसी में आया, वो लोग कुछ अगला जो मेयर रहा उसका साथ वो लोग ने उसका साथ चल गया। इसमें आदमी लोग का बहुत कुछ पार्षद में निकल के जो चटर्जी का विरोध किया और यही सब का बहुत सा कारण विरोध करने का जो चटर्जी का जो विरोध किया गया उसको विरोध करने का क्या कारण था? विरोध कुछ का कारण है कुछ आदमी पार्टी से उसका विरोध का काम और मान्यता है, जैसे यहाँ का ब्लॉक प्रेसिडेंट जिसको बनाया वो भी उसका संपर्क कभी उज्जवल चटर्जी के साथ बढ़िया नहीं होगा। अच्छा, कुल्टी तृणमूल के हारने से, जैसे विधानसभा चुनाव तृणमूल अगर कुल्टी से हार गई है तो इसका क्या खामियाजा जो है आने वाला जो काउंसिलर इलेक्शन है इसमें भुगतना पड़ेगा? भुगतने तो थोड़ा पड़ेगा ही, ऐसा बात है तो उसके लिए अभी से टाइम है। हम लोग को नया करके फिर नीचे स्तर से फिर संगठन को बढ़िया से सजाना होगा और आदमी को जनता से सजग होगा कि हम लोग को जो बीजेपी को यहाँ का एमएलए जीता है वो अकेले क्या कर पाएंगे, यहाँ का विकास कुछ कर पाएंगे जनता उसे। हम लोग तो ज़्यादा दिन पूर्ती का हमेशा देखे हैं, 3 बार से ज़्यादा किसी को रखता नहीं है यहाँ का आदमी। 3 बार आदमी देखा जे रोज एक सब्जी का चावल भात खा रहे हैं तो दूसरा सब्जी खा के देखें, मुँह भी टेस्ट भी आदमी लोग चेंज करता है तो अजय पोता दूसरी तरह से एक बार देखें आजमा के देखें कि कुछ दिन का बाद फिर आदमी लोग सच जाएगा जब बेकार हमारा वोट नष्ट किए हैं। उज्जवल चटर्जी ठीक ही था, बढ़िया था, जो आदमी रास्ता में जहाँ जाता मोटरसाइकिल का पीछे में चलता रहा, जहाँ भी हाथ रुके वहीं उसको सही कराना, कोई भी बात का करता रहा, इतना सर्विस का वो दे पाएंगे? लॉकडाउन का टाइम 6 महीना तो घर से नहीं निकला है जो अभी का MLA जीता है, उनका उनका लड़का जो है वो हमेशा एंटी सोशल के साथ उठना फिटना दारू पीना ये सब को बहुत सारे उसको सुने हैं तो इस हमारा सोचा है कि इसको बारे में पब्लिक को तो कुछ दिन का बाद नया
अभी देखा कुछ दिन का बाद आपको पता चलेगा जो हम लोग क्या गलती किए क्या बोल दिए आपका परिचय हमें यहाँ विकास यहाँ से ठप होगा कुछ काम नहीं होगा एरिया में आपका परिचय मेरा परिचय हम एक काउंसिलर हैं हम पहले कांग्रेस का पार्षद रह चुके हैं उसके बाद हम बहुत दिन से टीएमसी हम ममता का बहुत पुराना आदमी है लेकिन उस बार हम कुछ यहाँ का पार्षद का कारण हम